सारगंज में जाइडस कंपनी के वर्करों ने अपनी मांगों को लेकर रैली प्रदर्शन निकाला और यहां पर वर्करों ने प्रदर्शन रैली निकालते हुए उपजिलाधिकारी के जरिए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के जरिए वर्करों ने कंपनी को शुरू करने की मांग की है। बता दें कि जाइडस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने गैर कानूनी तरीके से यूनिट को 18 जून से अचानक बंद कर दिया। कंपनी बंद होने के चलते 1200 मजदूर बेरोजगार हो गए। वर्करों ने इसके लिए हाईकोर्ट में नैनीताल की शरण ली, जिसके बाद हाईकोर्ट ने अपने आदेश में राज्य सरकार से बंदी की अवैध घोषित कर कार्रवाई करने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं, लेकिन राज्य सरकार ने कंपनी बंदी को अवैध घोषित कर कंपनी चालू करने की कार्रवाई नहीं की है। सिद्धार्थगंज से जफर अंसारी की रिपोर्ट। हमारा जो है माननीय श्रम सचिव से भी जो है हमने अवैध बंदी के बारे में उनको सारे चीजें बताई, उनको ज्ञापन भी सौंपा, बीच में उनके उनसे अपने सारी चीजें उनके समक्ष रखी है और हाई कोर्ट का भी जो है आदेशों का जो है हाई कोर्ट के भी निर्देश दे दिए गए थे श्रम सचिव जी को कि भाई ये अवैध बंदी है और इस तरीके से जो कंपनी है उसको नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि 1200 मजदूरों की जो कंपनी है तो इसमें अगर कंपनी प्रबंधन को जाना ही था तो वो 90 दिन पहले राज्य सरकार से और श्रमिकों से जो है नोटिस पीरियड जो है उसको देता और अपना जो है पक्ष रखता, लेकिन